अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाला है, बट मैं अभी सडनली खड़े खड़े मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ मेरी प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ में मुझे आइडिया आ गया कि मैं पकौड़ी बनाऊँ, तो अम्मी को अच्छा भी लगेगा क्योंकि उन्हें पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस, अभी मैं जो ना चाय बना बने रख दी हूँ, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं पकौड़ी बनाऊँगी, उसका भी आपको रेसिपी भी दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से बना रही हूँ पकौड़ी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो जी, यहाँ पर चाय बनना स्टार्ट हो गई है और ये खोल चुकी है, और अभी जो है ना मैं पकौड़े बनाने का पूरा भी रेसिपी निकालूंगी कैसे क्या मुझे बनाना है। तो गाइज, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं जल्दी जल्दी आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो गाइज, मैंने यहाँ पर ले लिया है ये थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस थोड़ी सी पकौड़ी बनाऊंगी। और ये मैंने दो प्याज की घंटियाँ ले ली यहाँ पर, मेरे हाथ देख रहे हैं बेसन के हो गए, मैंने निकाला है। और ये मैंने दो हरी मिर्च लूँगी इसमें, और ये मैं एक आलू भी मिलाऊँगी, जिससे जो है ना पकौड़े का टेस्ट अच्छा आएगा, बढ़िया लगेगी पकौड़ी जो मैं बनाऊँगी इसकी, प्याज की पकौड़ी तो टेस्टी लगेगी। तो चलिए, मैं अभी इसको सबसे पहले बेसन को जो है ना फेंट लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको कट करूँगी, फिर इसको कट करके फिर इसमें मिक्स करूँगी, फिर एंड फ्राई करूँगी मैं इसको। तो चलिए, मैं जल्दी जल्दी इसको जो है ना फेंट लेती हूँ। तो ये गाइस, मैंने जो है ना बेसन फेंट लिया है, एंड प्याज और आलू को भी कट कर लिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं ये मैंने फेंट लिया है बेसन को, एंड ये जो है ना प्याज एंड आलू को मैंने बारीक सा कट कर लिया है, और ये हरी मिर्च भी ले ली मैंने यहाँ पर। और अभी जो है ना मैं इसमें मिक्स करूँगी इन सारी चीज़ों को, और इधर मैंने जो है ना ऑयल फ्राई होने रख दिया है तेल लाल होने के लिए यहाँ पर, फिर अभी मैं दिखाती हूँ। तो गाइज़, अम्मी को नहीं पता है कि मैं पकौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि उनको अच्छी लगती है घर की बनी हुई पकौड़ी, लेकिन उनको भी मैंने नहीं बताया मैं बनाने आ गई हूँ। बाकी जो है कि मैं उनका रिएक्शन देखूँगी कि उनको कैसा लग रहा है मैं बना रही हूँ, अचानक से लेके जाऊँगी। आप लोग भी रिएक्शन उनका देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़, अभी मैं जो हूँ ना इसमें पकौड़ी जो है ना डालने जा रही हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है इस एकदम से जो छींटे उड़ती हैं इसकी तेल की, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। चलिए मैं फिर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल रही हूँ, मुझे डर लगता है, मैं पीछे हट जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर मैं एक एक करके जो है ना इसमें सारी डाल दूंगी, फिर मैं उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़, देखें आप लोग, यहाँ पर पकौड़ी माशाल्लाह से रेडी हो रही है, बस अभी थोड़ा सा और मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी गाइज। और आप देखें, माशाल्लाह से अच्छी बनी है, वैसे देखने में तो अच्छी लग रही है, आई होप कि खाने में अच्छी बनी हो। बस मुझे मम्मा का रिएक्शन देखना है कि वो देखेंगी कहीं ओहो ये तुम किचन में कर रही थी इतनी देर से हैं। चलिए मैं अभी उनको जो है ना सरप्राइज़ दूँगी पकौड़ी का। तो गाइज, फाइनली ये मैंने पकौड़ी यहाँ पर बना ली है, आप देख सकते हैं कैसी बनी है, माशाल्लाह से देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है कि बस जल्दी से मैं इसको चाय के साथ में खा लूँ जाके। और चाय भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, मैंने 5 कप चाय निकाली है, यहाँ पर 5 लोग हैं वहाँ पर। तो अभी मैं मम्मा के पास इसको लेके जा रही हूँ, और फिर मैं उनका रिएक्शन देखती हूँ क्या होगा। तो गाइज, मैं लेके जा रही हूँ मम्मी के पास। मैं अम्मी कहाँ, इधर आओ, इधर तो आओ, इधर तो आओ, पहले दुपट्टा पहनो। ये लो तुम्हारे लिए सरप्राइज। कैसा लगा पकौड़ी तुम्हारे लिए बना रही थी इतनी अच्छा देर से? बहुत खुशी हुई, बहुत प्यारी पकौड़ी बनाई है। प्यारी ये नहीं, टेस्टी बनेंगी, अभी तो खाओगी तब पता लगेगा। हाँ, चलो अभी हम चाय लेके आ रहे, ठीक है? चटनी नहीं है, चाय पकौड़ी है। चटनी से नहीं, चाय पकौड़ी खाओ, ठीक है? रखो अभी इसको, अभी हम वो लेके आते। तो गाइस, अभी मैं लेके जा रही हूँ चाय अम्मी के लिए, सबके लिए।
लो चाय भी सब लो, पीछे बढ़ो अम्मी, पीछे तो बढ़ो। पापा बैठे हुए हैं, इनका ये देखो, ये सतरंग हमारे लिए नहीं रखा। अल्लाह पकड़ो लो, हम भी इंडिया था तो पहले खा लें, फिर समय से लगा देंगे। लो चाय, लो चाय। हमने चटनी नहीं रखी, दो प्याली हम रखवाई थी वो बस। ब्लॉगी तो बना रहे, तुम्हें क्या पता डाल के दी। अब अम्मी खाओ इसको, टेस्ट करके बताओ कैसी लग रही है। कैसी लग रही है? टेस्टी है, वाह। हमने सोचा क्यों ना, खड़े हुए हैं किचन में, खड़े हुए थे, हमने कहा अम्मी के लिए चाय पकौड़ी बना लेते हैं, एकदम से अचानक से बनाने का प्लान आया। अब खा के देखो, लो पापा को खिलाए। खाई तुमने पकौड़ी, बता एक बार कैसी बनी बताओ। अब बताओ खा के। अरे जो पकौड़ी खा रहे हो उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो गाइज मैंने सबको चाय पकौड़े खिला दी और अम्मी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, माशाल्लाह से उन्हीं ने तारीफ़ भी करी, आप वीडियो में भी देख लिया है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरा ये सरप्राइज़। अगर मैं बाज़ार जाती, मैं वहाँ से उनके लिए कुछ लेके आती तो शायद इतनी अच्छा उनको नहीं लगता, लेकिन जो मैंने अपने हाथ से बना के उनको खिलाया गाइज, उसका उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली, अच्छा लगा। तो गाइज आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, छोटी मोटी कोई चीज़ बनाकर अपनी मम्मी या पापा या अपनी सिस्टर को ऐसे खिला सकते हैं, जिससे जो है ना प्यार भी बढ़ता है और जो है उनको अच्छा भी लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। अगर हमारे घर वाले या हमारे बड़े हमसे खुश हैं तो गाइज हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज आप लोग भी ऐसे सरप्राइज दे सकते हैं अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर को। तो गाइज ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी, और आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। आप लोगों को मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।